जेडीयू ने बुधवार को गया के गांधी मैदान में समारोह आयोजित कर 15 वर्षों के शासनकाल की उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम के दौरान पिछले 15 सालों के विकास कार्यों के विषय में विस्तार पूर्वक कार्यकर्ताओं को बताया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारका प्रसाद ने की। इस मौके पर मुख्य वक्ता जहानाबाद सांसद चंद्रशेखर चंद्रवंशी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों को देश के दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। संगठन प्रभारी ललन पासवान ने कहा कि कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री ने मान सम्मान दिया, वो बधाई के पात्र हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक रामचंद्र प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, कृष्णनंदन यादव, अभय कुशवाहा, अजय पासवान ने संबोधित किया। सभी ने 15 साल में हुए विकास की चर्चा की। मंच का संचालन अजय बिहारी पटेल और धन्यवाद ज्ञापन अरविंद चरण प्रियदर्शी ने किया। इस मौके पर कई जेडीयू के कार्यकर्ता मौजूद थे। यह कार्यक्रम मूल रूप से पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए और 16 वर्षों में जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास के लिए काम किया है उन सभी कामों की चर्चा करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है और उस कार्यक्रम को जमीन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में इसकी चर्चा होनी है और हो रही है। सभी वक्ताओं ने इस पर विस्तार से अपना विचार व्यक्त किया है कि किस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया, जो बिहार 2005 के पहले बहुत ही बुरा स्थिति में था, जिसकी चर्चा सब लोग पहले कहते थे कि जंगल राज बिहार में लागू है। हम लोग पब्लिक तो कहता ही था, हाईकोर्ट भी कहता था कि बिहार में जंगल राज चल रहा है। उस जंगल राज से निकाल करके और आदरणीय मुख्यमंत्री आज विकसित बिहार के रास्ते पर लाने का काम किया है, लेकिन बिहार को बहुत आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए बिहार के सभी जनता को जागृत करने की ज़रूरत है कि नीतीश बाबू जो काम किए हैं उन कामों का लाभ उन तक पहुँचे और जिससे कि उनका आर्थिक स्थिति, उनका शैक्षणिक स्थिति, उनका स्वास्थ्य का स्थिति सबों में सुधार हो। इन्हीं बातों की चर्चा हम लोग आज यहाँ बैठ करके कर रहे हैं। पूरे राज्य का आज कार्यक्रम है। 24 आज ही के तारीख में 2005 का पहला शपथ माननीय नीतीश कुमार जी ने लिया था, तो 60 साल बनाम 16 साल तो कर रहे हैं, लेकिन मेरी व्याख्या में 60 साल बनाम मैंने 16 साल कांग्रेस की सरकार रही, लालू यादव की सरकार रही और पूरा जिस ज्ञान की भूमि पर हम बैठे हैं यह पूरा मगध खून से लथपथ रहा करता था। शंकर बिघा बाथे बथानी, नारायणपुर, मियाँपुर, सेनारी, कोई जात नहीं बचा जिसके गर्दन नहीं कटे, जिसके सुहाग नहीं उड़े। पूरी तरह गुंडा राज, अपराध राज, कौन कौन पार्टी, कौन कौन सेना, दर्जनों सेनाओं का उत्पत्ति हुआ। उस सारी सेनाओं को दरकिनार करके नीतीश कुमार ने समावेशी विकास, नया प्रयोगशाला पाठशाला, ऐसे बिहार प्रयोगशाला और पाठशाला रहा है जहां गांधी जैसे लोगों ने, लोहिया जैसे लोगों ने प्रयोग किया और पढ़ाया है। लोग समाजवाद का पाठ पढ़ाया, गांधी ने आज़ादी की पाठ पढ़ाई, वैसे जगह पर नीतीश कुमार ने नया प्रयोग किया और उस प्रयोग में सफल प्रयोग विकास का प्रयोग, समावेशी विकास का प्रयोग। क्या दलित हो, क्या अति पिछड़ा हो, क्या सवर्ण हो, क्या अगड़ा हो, क्या पिछड़ा हो, सबका विकास नीतीश कुमार ने एक नई लकीर, बड़ी लकीर, गंगा से फल्गु तक पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे बंदूकों की जो खेती हुआ करती थी उन बंदूकों की खेतियों को बंद करने की बात हो, कलमों की खेती शुरू हुई, लड़कियां साइकिल पर चलना शुरू की, तो यह एक दो काम नहीं, जो स्त्रियां घर में बैठी हुई करती थी, चूल्हा चौका करती थी, उनको जीविका से, करोड़ों लोगों को जीविका से जोड़ने का काम किया। एक दो नहीं, आपको कन्या विवाह योजना के साथ साथ, शराबबंदी के साथ साथ, बाल विवाह पर आपको पहली बार राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फूले, ज्योति बाबा फूले, इन लोगों के बाद बिहार का पहला रचनात्मक नायक है नीतीश कुमार, जिसको जन नायक कहा जा सकता है, कहना चाहिए, जिसने पहला प्रयोग किया कि आपको बालिका विवाह पर रोक लगाया, शराबबंदी पर गांधी जी का जो सपना था, लोहिया का जो सपना था, उसको उन्होंने पूरा किया।